हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। बेसिकली आज मैं आपको बताने आया हूँ कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है। तो मैं इसे वीडियो से बताना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश COVID-19 की वजह से मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, तो उस तरीके से मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको थर्टीली बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा होने वाली है आपकी लाइफ, आप समझो। और कुछ चीज़ों के बारे में हमें भी नहीं पता था जब हम कॉलेज गए थे, लेकिन हमें वहाँ जाके पता चली है। तो उन सब चीज़ों को मैं अभी तो आपको बताऊँगा, कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम अगली वीडियो में भी उसे देख लेंगे। मतलब अगली वीडियो में भी जब भी बताऊँगा आर्किटेक्चर लाइफ के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। वीडियो शुरू होने से पहले कुछ इक्विपमेंट्स दिखाना चाहता हूँ मैं, जो आपको अपने आर्किटेक्चर करियर में ज़रूरी होगी, मतलब वही आपका पालन करता है, ठीक है। तो जैसे ये आपका पैलर बार हो गया, ठीक है, ये सेट स्क्वायर, ये आपकी सीट होल्डर, और इसमें ढेर सारा सीट बड़ा पड़ा भारी है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको मतलब आर्किटेक्चर करियर में कंपलसरी है। ये जो पीछे रखा हुआ मेरा ब्लैक कलर का है, ये मेरा ड्राफ्टिंग बोर्ड है। एक्चुअली मेरे सेमेस्टर कंप्लीट हैं, इसीलिए ड्राफ्टिंग बोर्ड खोल के आराम से रखा हुआ है, नहीं तो इसमें ये पैलर बार लगा रहता और सेट स्क्वायर भी वो कहीं पे रखे रहते, क्योंकि सीटें उसमें लगी रहती हैं हमेशा। ये तो हो गया इक्विपमेंट्स। अब आप पहले दिन अगर कॉलेज जा रहे हो, आर्किटेक्चर कॉलेज पहले दिन जाओगे, कुछ पता नहीं रहेगा आपको। पहले दिन बेसिकली आपको ना अपना, सबसे पहले ना अपना जिस डेस्क पे आप बैठोगे वो डेस्क एक साल के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत जो हॉस्टल में जाते हैं बच्चे उनको सीनियर्स बता देते हैं, लेकिन जो हॉस्टल नहीं जाते, जो घर से कॉलेज जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि पहले दिन उसी बेंच पे बैठे जहाँ पे आप कंफर्टेबल है, क्योंकि पहले दिन जो सीट आप पकड़ लोगे वही आपके एक साल का हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आप अपना पैलर बार जाके लगाओगे, ठीक है, पैलर बार जाके लगा दोगे, ऊपर में सीट वगैरह कवर कर, सीट लगा के कवर करके अच्छे तरीके से अपना नाम लिख करके कर दोगे। पहले दिन आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कि क्या पैलर बार, क्या सेट स्क्वायर, क्या कितनी सीटें लेनी है, कितने टाइप के पेंसिल लेने हैं, पेंसिल लेने हैं, ट्रायंगुलर स्केल लेने हैं, कलर कौन सा लेना है, A3 शीट कितनी लेनी है, A2 शीट कितनी लेनी है, A1 शीट कितनी लेनी है। तो ये लंबी लिस्ट मिलती है, मतलब अगर बात करें तो 5,000 से 6,000 की पूरी इक्विपमेंट्स होती है। इसके लिए एक सरप्राइज वीडियो होगा जब आप कॉलेज में घुस जाओगे तब, तो उसके लिए वेट करना। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ उस वीडियो की तैयारी अभी से करने की, कुछ सरप्राइज है जो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले दिन का। अब पहले सेमेस्टर की बात कर ले, तो पहले सेमेस्टर में कुछ नहीं होता, अगर बेसिक चीज़ें बस पढ़ाई जाती है। जैसे हो गया आपको लिखने के लिए सिखाया जाएगा कि ABCD कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हमें अपनी शीटों पर सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखनी पड़ती है, तो कैपिटल लेटर सारी चीज़ें लिखनी सीखनी पड़ती है। उसके बाद लाइन वगैरह खींचना कि आप फ्री हैंड लाइन पूरा खींच पाए, मतलब इतनी बड़ी शीट होती है, A1 शीट है। अगर मैं इस ड्राफ्टिंग बोर्ड की हाइट आप देख सकते हैं, मतलब समझ जाइए कि इतनी बड़ी शीट पे आपको लाइन खींचनी सिखाई जाएगी, ठीक है। A1 शीट आपने देखा होगा, चार्ट पेपर जो आप बचपन में यूज़ करते हैं उससे थोड़ा बड़ा रहता है, तो उस पर लाइन खींचनी सिखाई जाएगी। उसके बाद डिज़ाइन प्रॉब्लम में बात करें, तो डिज़ाइन प्रॉब्लम में बेसिकली सर्कल या लाइंस वगैरह से आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है, या कोई मॉडल बनाने मिल जाएगा। अगर छोटा डिज़ाइन प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो गया, किसी भी कॉलेज में नहीं भी होता है, किसी कॉलेज में हो भी जाता है, तो छोटा सा एक शॉप वगैरह दे करके आपको फर्स्ट सेमेस्टर का वही डिज़ाइन प्रॉब्लम होता है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे तो कॉलेज में ब्रिक पढ़ाया गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको पता नहीं क्या पढ़ा जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा था, आपको भी ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया, सर्वेइंग हो गया, BS हो गया, EVS हो गया, तो इन सब तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके हर एक सेमेस्टर में धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। ग्राफिक्स, अगर आप जेई मेन, हमने क्या सोचा था कि जेई मेन में जैसा हमने ड्राइंग किया वैसा ही ड्राइंग हमें वहाँ पे जाके करना पड़ेगा, तो वैसा ड्राइंग का एक क्लास होता है, ग्राफिक्स का क्लास होता है। इंटरनल में बात करूँ तो उसके 100 से 150 नंबर के रहते हैं पेपर, तो वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक A3 शीट भी खरीदाई जाएगी और आपको ड्राइंग भी वहाँ पे सिखाया जाएगा, जिनको नहीं आता वो वहाँ जाके जरूर सीख जाएंगे ड्राइंग।
ठीक है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा। फिर सेकंड सेमेस्टर में धीरे धीरे बढ़ती जाती है, सेकंड सेमेस्टर में आपको डिज़ाइन प्रोग्राम आपका बढ़ता जाएगा, मतलब कि अगर आपने शॉप किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में तो वही चिल्ड्रंस पार्क, जैसे हमने किया था चिल्ड्रंस पार्क बड़ा सा डिज़ाइन किया था, एंट्रेंस गेट डिज़ाइन किया था, तो ये सेकेंड सेमेस्टर का था। थर्ड सेमेस्टर में हमारे डॉक्टर्स क्लिनिक आ गए थे, डॉक्टर्स क्लिनिक के बाद शॉपिंग, एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसने जिसको हमने डिज़ाइन किया था। हमारे सीनियर्स ने सेकेंड ईयर में कोविड के कारण हमारा सिर्फ वही हुआ था, हमारे सीनियर्स ने किंडल गार्डन डिज़ाइन किया था सेकेंड सेमेस्टर में ही। तो धीरे धीरे मतलब थर्ड सेमेस्टर में ही, और थर्ड के बाद फोर्थ सेमेस्टर में धीरे धीरे आपके डिज़ाइन प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में हमारी अर्बन प्लानिंग होती है, तो वो भी एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है, आपके भी टाइम आएगा, मतलब ट्रिप वगैरह सब कुछ होता है। अगर फर्स्ट ईयर की बात करो तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहला आपका फेस्ट होगा, सॉरी फ्रेशर होगा, फ्रेशर पार्टी होगी, फिर नाशा होगा, दो नाशा होता है, एक जोनल होता है, ठीक है, एक और कोई होता है, मैं यूडी उसे नहीं हूँ तो मुझे उसके बारे में डिटेल से नहीं पता, लेकिन आप अगर नासा के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं अपने यूडी या यूसेक के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ, जिससे मैं आपको पूरी चीज़ें, आप अगर नासा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे जान करके आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो यूडी यूसेक का इलेक्शन होगा, फिर यूडी यूसेक चुना जाएगा आपके कॉलेज, आपके क्लासेस कोई, तो ये भी एक चीज़ है याद रखना, बहुत बच्चों को जाने के बाद पता चलता है, बहुत बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास यूडी यूसेक का कार्ड होगा तो आपको जॉब के टाइम में बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा यूडी यूसेक का इलेक्शन लड़ने के लिए, जो मतलब जो आपके क्लास से अच्छा होगा वो लड़ेगा इलेक्शन, ठीक है। फिर हो गया आपका एक ट्रिप होगा कन्फर्म, आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में ट्रिप कन्फर्म होता है, तो एक ट्रिप होगा आपका, कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपका फ्रेशर पार्टी होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे मतलब कि मज़े करने की भी चीज़ें रहती है आर्किटेक्चर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीट और पैरेलल बार और सेट स्क्वायर इतने से रिश्ता रहता है हमारा, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है हर सेमेस्टर में, जैसे जैसे वर्क के मतलब बढ़ता है वैसे वैसे इन्जॉयमेंट भी बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोस्त बनाना एकदम ज़रूरी है, ठीक है, आर्किटेक्चर में अगर आप दोस्त नहीं बनाओगे तो कल क्या आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे दिन तो आप काम नहीं कर सकते ना, दोस्त वगैरह बातचीत कुछ तो करोगे ना, तो ये भी एक चीज़ होती है कि दोस्त बनानी कंपलसरी है आर्किटेक्चर में, बहुत सारा मज़ा है लेकिन ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन मैं समझ रहा हूँ आपके लिए काफ़ी था कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स इन फ्यूचर यूज़ करने पड़ेंगे, डिज़ाइन प्रॉब्लम कैसे कैसे बढ़ती है, ठीक है। जैसे पीसी वगैरह की वर्क बताऊँ तो पीसी का वर्क आपका सीधे थर्ड सेमेस्टर के बाद से शुरू होता है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के बाद से यूज़ होता है, ठीक है। पीसी बेसिकली आप पीसी यूज़ कर सकते हैं ड्राफ्टिंग वगैरह के लिए, उससे पहले आपको शीट वर्क ही करना पड़ता है, तो ये भी मैंने बता दिया आपको, और इन्जॉयमेंट भी बता दिया कि नासा वगैरह होता है, यूडी के इलेक्शंस होते हैं, तो ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी आर्किटेक्चर लाइफ की। और रात की घर की बातें हैं तो घर में तो आपको शीट्स वगैरह बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा।